वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्पिता, तुम लोग देख रहे हो माय चैनल अर्पिता लव वाटर कलर। आज ये जो स्टोन्स देख रहे हैं, ये इसको मैंने कलर कर लिया है। आज इसके ऊपर मैं काम करने वाली हूँ, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आज तो धमाका होने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा लास्ट वाला वीडियो है, तो आप लोग जाके भी देख लीजिए। आप लोग तो जानते ही हैं, पहले वाटर ले लीजिए, फिर कलर लीजिए। यहाँ पर मैं एनामेल कलर यूज़ कर रही हूँ और दोनों कलर यूज़ कर रही हूँ, ऑक्स ब्लू और फिरोजा कलर। अब थोड़ा थोड़ा मैं हिलाऊंगी उसको, एक पतला वाला स्टिक लेके धीरे से उसको हिला के फिर स्टोन को डिप करना है। स्टोन को मैंने स्प्रे कलर से पेंट किया है वाइट कलर, इसीलिए इतना अच्छा फिनिशिंग आया है। तो स्प्रे कलर आप यूज कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आप एक्रिलिक कलर भी यूज कर सकते हैं। वाओ, देखिए कितना ब्यूटीफुल आया है। ये तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है। की कमेंट कीजिए कि आप लोगों को ये कैसा लगा। देखो नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाला है, एक ब्यूटीफुल पॉट का पेंटिंग आने वाला है, तो उसका जो एक स्ट्रक बच गया था उसपे मैंने इसको पेंट किया है। अब देखिए इसका डिजाइन, यहाँ पर मैंने येलो और पिंक कलर यूज किया है। देखो आसपास का कलर कैसे चिपक रहा है। वाओ, बहुत अच्छा है इसका डिजाइन, मुझे तो बहुत पसंद आया है। आप लोग बोलिए। अभी भी वाटर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बच गया है, तो मैं एक पेपर लेके उसको ही डिप कर लूंगी। अब देखो इसका डिजाइन कैसा आया। आई एम जस्ट स्पीचलेस, जस्ट स्पीचलेस। आप लोग कहिए, मुझे ये बहुत पसंद आया है। अभी भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचा है, तो मैं इसको एक ब्लैक कलर का स्टोन लेके इसको डिप करूंगी। अब देखो इसका डिजाइन कैसे आता है। ओ माय गॉड, वाओ, जस्ट वाओ। वीडियो अब तक पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा पेंटिंग आने वाला है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्राउन कलर ले लूंगी एंड फिर से मैं वही बोलूंगी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में जो पेंटिंग आने वाला है उसका ही एक्स्ट्रा किए बच गया था, तो मैंने पेपर को डिप किया है। अब देखिए इसका डिजाइन कैसे आया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसा अच्छा अच्छा पेंटिंग लाता रहते हूँ। अब देखो इसका डिजाइन, देखो अभी भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचा हुआ है वाटर में, तो इसको मैं एक स्टोन लेके डिप कर लूँ। देखो कलर कैसे चिपक रहा है, देखो अब ऐसे ही धीरे धीरे उसको हिला के फिर उठाना होगा, नहीं तो ये जो बाकी का जो कलर है वो भी चिपक जाएगा। तो सारे कुछ मैंने डिटेल में दिखाया है, यहाँ पर कोई भी कुछ भी पार्ट मैंने स्किप नहीं किया है, तो आप लोग इसको भी स्किप नहीं करोगे तो ही आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग अगर स्किप कर लोगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप लोग बाकी का वीडियोस भी देखिए, वो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैं जो फिरोजा कलर मैंने लिया था, मतलब जो एक्स्ट्रा बचा था फिरोजा कलर का, वही मैंने एक ब्लैक कलर का स्टोन लेके उसको मैं डिप करूँगी। अब इसका डिज़ाइन देखो, इसका डिज़ाइन तो बिल्कुल ही अलग आएगा, बिल्कुल देखते हैं कैसा डिज़ाइन आता है। वाओ, जस्ट वाओ, मुझे तो शब्द ही नहीं मिल रहा है इसका, कैसे मैं इसको एक्सपोज करूँ। अब इसको मैंने कलर नहीं किया है, क्योंकि इसका कलर ही इतना, मतलब जो नेचुरल कलर है ये इतना प्यारा है, तो इसको मैंने कलर नहीं किया है। और जो ब्लैक कलर का जो एक्स्ट्रा बचा हुआ था उसमें मैंने डिप कर लिया, इसको ड्राई कर लिया, उसके बाद फिर से कोई दूसरा एक्स्ट्रा जो बचा हुआ था उसके ऊपर मैंने डिप किया है। देखिए ये भी किसी का एक्स्ट्रा ही है। अब इसमें देखो एक ब्लू कलर का लेयर है वाटर में, और इसका लुक देखो चेंज हो गया, इसका हुआ ना मैजिक और डिजाइन भी चेंज हो गया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गुड लक, टाटा।